परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा का दान जो परमेश्वर ने दिया है उसके विषय में बात करेंगे। पिछली बार हमने सुना था दो बातें को हमने सुना था। पहला, वे लोग जो डांट सुनना मन फिराते हैं, जो लोग डांट सुनते हैं मन फिराते हैं, परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा का दान देते हैं। जैसे कि पतरस ने जब पहली बार प्रचार किया था तब ये प्रचार किया था उसने कि मन फिराओ और अपने पापों से पश्चाताप करो और तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। उसके बाद कई बार और हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं। तो मन फिराना जरूरी है, पश्चाताप करना जरूरी है, और जो डांट सुनते हैं, विशेषकर हमने बीते दिनों में बीते सप्ताह सुना था, जो लोग डांट सुनते हैं परमेश्वर की या फिर परमेश्वर के वचन की, वे लोग पवित्र आत्मा का दान पाने के लिए क्वालिफाइड हैं। उसके बाद हमने देखा था आज्ञा मानने वाले, प्रेरित 5:32 हमने देखा था, जिसमें ऐसा लिखा था कि पवित्र आत्मा का दान परमेश्वर ने सबको नहीं दिया है, सब विश्वासियों को नहीं दिया है, सब सेवकों को नहीं दिया है, वरन उनको दिया है जो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। परमेश्वर ने उन्हें पवित्र आत्मा का दान दिया है। उसके बाद हम आज हम देखेंगे दो बातें को और देखेंगे, और हम देखेंगे यूहन्ना 7:37 से लेकर 39 तक, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 37 से लेकर 39 तक। इसमें ऐसा है कि परमेश्वर अपने दान जो पवित्र आत्मा का दान है उन लोगों को देते हैं जो लोग जो जिन लोगों के अंदर परमेश्वर के राज्य की वचन की धार्मिकता की भूख और प्यास है। कुल मिलाकर परमेश्वर की आज्ञा मानने की भूख और प्यास, वचन को मानने की भूख और प्यास, प्रार्थना करने की भूख और प्यास रखने वालों को परमेश्वर अपना दान देते हैं। क्या दान देते हैं? पवित्र आत्मा का दान देते हैं। सबको नहीं, जो धार्मिकता के भूखे और प्यास हैं। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7:37 से लेकर 39 तक। फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। सब नहीं, जिसको भूख है प्यास है परमेश्वर की राज्य की, प्रभु कहता है वे लो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा। आगे पढ़ते हैं, जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। कौन? जो मुझ पर विश्वास करेगा। उसने यहां वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा, कहने का मतलब पवित्र आत्मा, अब तक ना उतरा था क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। उसके बाद मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5:6 में लिखा गया है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। उसके बाद लिखा है यशाया 44:3 में, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। सो देखिए, परमेश्वर महान है और उसकी प्रतिज्ञा भी। यहां पर बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने सब विश्वास करने वालों को पवित्र आत्मा का दान नहीं दिया परंतु उनको दिया, जो हमने अभी पढ़ा था प्रेरित 5:32 में, जो आज्ञाकारी विश्वासी हैं। सब विश्वासी नहीं कि भाई देखो गले में क्रूस पहन लिया और यीशु का नाम ले लिया, बपतिस्मा ले लिया और चर्च जा रहे हैं, दान दे रहे हैं, लेकिन आज्ञाकारी नहीं है। यदि आप आज्ञाकारी नहीं हैं तो परमेश्वर का दान आपके लिए नहीं है, पवित्र आत्मा आपके लिए नहीं है। विश्वासी कहलाने से कुछ नहीं होगा, विश्वासी हो परंतु आज्ञा मानने वाले। यदि आप आज्ञाकारी विश्वासी नहीं हैं तो परमेश्वर का आत्मा, जिसे हम पवित्र आत्मा कहते हैं, उनके लिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रेरित 7:50-51, पवित्र आत्मा का दान और किन लोगों के लिए नहीं है? पवित्र आत्मा का विरोध करने वालों को। परमेश्वर पवित्र आत्मा का विरोध करने वालों को पवित्र आत्मा का दान नहीं देते हैं। जो लोग, जो चत, जो विश्वासी, जो
जो लोग ऐसे हैं जो पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं उनके लिए भी पवित्र आत्मा का दान नहीं है। पढ़ते हैं प्रेतों के काम 7:50-51 पद, क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई नहीं? हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का सामना करते हो जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे, वैसा ही तुम भी करते हो। यहां बाइबल कहता है कि जो लोग सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं पवित्र आत्मा का दान उन लोगों के लिए नहीं है। सो पवित्र आत्मा का विरोध लोग कैसे करते हैं, मैं आपको कहता हूं। देखिए जो चर्च और विश्वासी और पासवान लोग या जो सेवक लोग आपस में चर्चा करते हैं कि देखो भाई वो फलाने पास्टर के जीवन में तो दुष्ट आत्मा है, अरे वो पास्टर ऐसा है, वो पास्टर वैसा है, जो वो विश्वासी वैसा है, वो चर्च वैसा है, कहने का मतलब यदि हम किसी अभिषिक्त सेवक के विरोध में कुछ कहते हैं या उसका विरोध करते हैं तो हम किसका विरोध कर रहे हैं? पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे हैं। जैसा हनन्याह और सफीरा ने जो प्रेरित 5 अध्याय में लिखा गया है, प्रेरितों को झूठ बोला, तो प्रेरितों ने ये नहीं कहा कि तुमने हमसे झूठ बोला है, उन्होंने ये कहा कि तूने परमेश्वर से झूठ बोला है ना, परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोला है, पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी अभिषिक्त सेवकों के विरोध में बात करना, इसका मतलब ये है कि आपने पवित्र आत्मा का विरोध किया है। तो परमेश्वर का वचन यह कहता है कि पवित्र आत्मा का दान ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो अभिषिक्त सेवकों का विरोध करते हैं या पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों का विरोध करते हैं। पवित्र आत्मा का विरोध करने वालों के लिए पवित्र आत्मा का दान नहीं है। आखिरी पद हम देखेंगे, 1 शमूएल 15:23, हट करने वाले, जिद करने वाले। हम पढ़ते हैं 1 शमूएल 15:23, देख बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और घर देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। यह शाऊल के विषय में परमेश्वर कह रहा है। उसके बाद हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 18:10-11-13 पद में भी लिखा गया है, जो लोग जो है हट करते हैं, जिद करते हैं, जैसा शाऊल ने किया था, इसलिए परमेश्वर ने जो आत्मा शाऊल को दिया था वो आत्मा उस पर से उठकर दाऊद को दे दिया गया। जिद्दी लोग, जिद जो करते हैं, वे लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। वे लोग जो जिद करते हैं आज्ञाकारी नहीं है, हठी है, बलवा करने वाले, ओझा करने वाले हैं, या जादूगर हैं, या फिर प्रभु पर भी विश्वास करते हैं, तांत्रिक पर भी विश्वास करते हैं, प्रभु पर भी विश्वास करते हैं, ज्योतिष पर भी विश्वास करते हैं, प्रभु पर भी विश्वास करते हैं, फिर ज्योतिषों को हाथ भी दिखाने जाते हैं, और प्रभु पर भी विश्वास करते हैं, और क्या खाना नहीं खाना, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, रीति रिवाजों पर भी विश्वास करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का आत्मा नहीं है, कहने का मतलब पवित्र आत्मा का दान नहीं है। तो हम चर्चा कर रहे हैं बीते सप्ताह से लेकर अभी तक कि परमेश्वर पवित्र आत्मा किन विश्वासियों को देता है या किन लोगों को देता है। तो हमने देखा शुरू से लेकर अभी तक कि यहां पर जो अंतिम बात जो है वो हट करने वाले, जिद करने वाले, और यहां पर बाजीगर, ओझे और भूत साधने वाले, भूत जगाने वाले, और मूर्ति पूजा करने वाले, जिद करने वाले, और यहां पर ग्रह देवताओं को मानने वाले, हट करना ऐसा पाप करने के बराबर है। कहने का मतलब हट करना, जिद करना जो है वो ग्रह देवताओं और मूर्ति पूजने के बराबर है। तो परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर का दान जो है, पवित्र आत्मा का दान जो है, ऐसे विश्वासियों के लिए नहीं है। तो अभी तक हमने शुरू से हमने क्या देखा था, एक बार मैं पूरा पढ़ देता हूं आपके लिए। पहला, पवित्र आत्मा का दान परमेश्वर किनको देता है? वे जो डांट सुनकर मन फिराते हैं। दूसरा, जो आज्ञा मानते हैं परमेश्वर उनको पवित्र आत्मा का दान देते हैं, उनको भी देते हैं जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, और उनको भी देते हैं। और हाँ, यहां पर अभी दो लास्ट में जो है जिनको नहीं देते हैं,
पहला जो पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं, परमेश्वर उनको जो है पवित्र आत्मा का दान नहीं देते हैं, और लास्ट हम देखते हैं कि हट करने वाले, जिद करने वाले, ऐसे लोगों को भी परमेश्वर पवित्र आत्मा नहीं देते हैं, ऐसा ना हो कि वे भारी दंड के योग्य ठहरे। तो इसीलिए परमेश्वर का जो आत्मा है परमेश्वर देना चाहता है। देखिए हमारे कहने पर प्रभु यीशु हमारे लिए क्रूस पर बलिदान होने के लिए नहीं आया। बाइबल कहता है कि सृष्टि से पहले वो घात किया गया था। कहने का मतलब जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे कहने पर नहीं। तो हमारे कहने पर भी हमें पवित्र आत्मा का दान नहीं दिया जाएगा। ये परमेश्वर का दान है जो विश्वास करने वालों पर, सच्चे मन से विश्वास करने वालों पर, आज्ञाकारी विश्वासी जो हैं उनको दिया गया है। जो मिलावटी जीवन जीते हैं, झूठी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीते हैं, लालच और हट में जीवन जीते हैं, उनको परमेश्वर ये दान नहीं देता है। कहने का मतलब ये है कि पवित्र आत्मा का दान जो है वो हमारे कहने पर नहीं, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा ही हमें दिया जाएगा। और यदि हम आज्ञाकारी बने रहे, ये नहीं कि दो दिन आज्ञाकारी बने और परमेश्वर का दान आपको दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर साल साल तक आपको देखेगा, एक साल, दो साल, तीन साल परमेश्वर आपको देखेगा कि आप आज्ञाकारी विश्वासी है या नहीं। यदि है तो परमेश्वर अपना आत्मा आपको देगा, हालेलुया, ताकि आपका स्वभाव जैसा यीशु का था वैसा ही बन सके, आपका जीवन परमेश्वर के वचन के योग्य बन सके। क्योंकि देखिए पवित्र आत्मा के बिना एक विश्वासी का विश्वासी जीवन मरा हुआ है, इसलिए पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है। इसलिए जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, दिन रात प्रार्थना करते हैं, जिनका मन संतुष्ट होता है परमेश्वर के वचनों से, प्रार्थना करने से, वे लोग मांगते रहे। लूका 11 अध्याय में या लूका में लिखा गया है कि जो बाप बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छे वस्त्र देना जानते हैं, वे मांगने पर, वे उसके बच्चे जो हैं मांगने पर पवित्र आत्मा का दान क्यों ना देगा। इसलिए आप मांगते रहे प्रभु यीशु मसीह से कि वो आपको पवित्र आत्मा का दान दे। परमेश्वर का आत्मा आपके लिए ही है, इसलिए आप प्रार्थना करें। प्रेरित 19 में भी लिखा गया है कि आप प्रार्थना करें, परमेश्वर का आत्मा आपके लिए ही है, और आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर का आत्मा और आपको दिया जाए, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा दे प्रभु आपको, ऐसा दिन रात प्रार्थना करें। यदि आपके अंदर भूख और प्यास नहीं है तो परमेश्वर का आत्मा आपके लिए नहीं है। मैंने बीते सप्ताह बोला था कि जैसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा था कि मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ये उस समय है जब परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देना चाहता है। यदि आपके जीवन में ही भूख नहीं है, प्यास नहीं है, आज्ञाकारिता नहीं है, तो परमेश्वर अपना आत्मा आपको क्यों देगा? आप ही खुद अपने आप से सवाल पूछिए। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप एक आज्ञाकारी विश्वासी बने और मन से विश्वासी बने, दो रंगी नहीं, मिलावटी नहीं, परंतु आज्ञाकारी, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके लिए है। किस लिए है? विजय जीवन जीने के लिए, गिरने वाला जीवन जीने के लिए नहीं, निराश होने के लिए नहीं, हताश होने के लिए नहीं, फ्रस्ट्रेट होने के लिए नहीं, परंतु विजय जीवन जीने के लिए, यीशु मसीह के समान जीवन जीने के लिए, उसके समान स्वभाव होने के लिए प्रभु अपना आत्मा आपको देना चाहता है। जब तक आप अपने आप को प्रतिदिन तैयार नहीं करें, एक दिन की बात नहीं है, प्रतिदिन तैयार नहीं कर लेते, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कैसे काम करेगा? इसलिए आप चाहते हैं कि प्रभु का आत्मा आपके जीवन में कार्य करे, आपको प्रतिदिन प्रार्थना करना है प्रभु से कि हे प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का दान दे, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का दान दे, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का दान दे, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का दान दे। प्रतिदिन आपको प्रार्थना करना है और प्रेरितों के कामों की पुस्तक को पढ़ना है और प्रार्थना करना है कि प्रभु जैसा तूने प्रेरितों के काम में अपने आत्मा को उंडेला था, मेरे जीवन में भी उंडेल। हालेलुया, प्रभु आपसे प्रेम करता है। हालेलुया, प्रभु आपसे प्रेम करता है और प्रभु अपना आत्मा आपको देना चाहता है। अपने कर्मों से आपको भक्ति भक्ति भक्तिपूर्ण जीवन नहीं जीना है, परंतु अपने प्रभु अपनी आत्मा आपको देगा भक्तिपूर्ण जीवन जीने के लिए, सच्चा जीवन जीने के लिए, विश्वासी जीवन जीने के लिए। हालेलुया, विजय जीवन जीने के लिए इस संसार, इस वर्तमान बुरे संसार में। हालेलुया,
विजय जीवन जीने के लिए प्रभु अपनी आत्मा आपको देगा, हालेलुया, ताकि आपका जीवन सामर्थ्य बन सके, आज्ञाकारी बन सके और परमेश्वर के वचन में चलने के योग्य बन सके, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, विशेषकर जो लोग इस समय इस लाइव में जुड़े हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा और साथ ही साथ जो लोग बाद में भी जुड़ेंगे उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम आंखें बंद करें, इन सारे वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। इस समय हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं पता नहीं मुझे दिखेगा अभी कि नहीं, सो एक बार देख लेते हैं। ओके ना, प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद इस ऑनलाइन फेलोशिप के लिए, हे परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ। पिता परमेश्वर इस समय जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हालेलुया, विशेषकर हालेलुया बहन कविता उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हे परमेश्वर तेरा अनुग्रह इनके जीवन पर बना रहे, तेरी आत्मा ढेल दे, जो वचन अभी उन्होंने सुना है प्रभु तेरी आत्मा ढेल दे इनके जीवन में, हालेलुया। बहन कविता उनके परिवार में अपनी आत्मा ढेल दे प्रभु, पवित्र आत्मा और आग ढेल दे प्रभु इनके जीवन में, पूरे परिवार में, हालेलुया, पूरे हाल उनके राज्य में, उनके डिस्ट्रिक्ट में अपनी आत्मा ढेल दे प्रभु जी, ताकि इन दिनों में लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए और तेरी महिमा और तेरी आराधना करने पाए, हालेलुया। पिता परमेश्वर इस समय इस लाइव में भी, लाइव खत्म होने के बाद भी जो लोग इससे ब्रॉडकास्ट को सुनेंगे प्रभु उनको भी आशीष दे प्रभु, इस वचनों को जो लोग सुनेंगे प्रभु ने आशीर्वाद दे और अपनी आत्मा ढेल दे उनके जीवन में, ताकि वे तेरे योग्य बन सके, आज्ञाकारी बन सके। प्रभु धन्यवाद इस ऑनलाइन फेलोशिप में आशीर्वाद देने के लिए, पिता धन्यवाद, यीशु नासरी के नाम से, आमेन।